ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम लोग पहुंच गए सुल्तानगंज। यहाँ पे हम लोग जल भरकर सुल्तानगंज से पैदल यात्रा कर कंवरिया पथ के माध्यम से देवघर को जाएंगे। और आप पूरे वीडियो में बने रहें, पूरे देवघर की यात्रा को हम लोग आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम लोग चल रहे हैं देवघर कंवरिया पथ के रास्ते पैदल यात्रा करते हुए। लगभग 105 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं हर जगह साइड साइड में आपको कंवरिया के लिए रास्ता बनाया गया। ये मेन रोड है गाड़ी के जाने के लिए, और इधर से आप कंवरिया लोग जाएंगे। तो अभी काफ़ी इधर बारिश हो गया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ जैसा आपको दिख रहा होगा। नीचे में बालू गिराई जाती है सरकार की द्वारा इधर में, ताकि कंवरिया को जाने में सुविधा रहे इधर में। तो ऐसे ही साइड साइड से आपको काफ़ी जगह रास्ता दिखेंगे अलग से दिख जाने के लिए बोलबम, और गाड़ी की रास्ता अलग होंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आगे हम लोग दिखाएंगे आपको पूरे रास्ते का जर्नी सब चीज़, और मौसम का स्टेटस भी आपको पता लगते रहेगा। बोल बम। ऐसे आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे जो अभी बन रहा है, क्योंकि अभी सावन स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी लोग तो अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जब आप सावन में आएंगे ये सारे दुकान आपको तैयार मिलेंगे, काफ़ी सारे स्टॉल होते हैं। अभी रास्ते का कुछ हालत इस तरह है क्योंकि बारिश हो गया काफ़ी ज़्यादा इधर। और ये साइड में आप मेन रोड देख रहे होंगे, उसके बगल में आप कंवरिया पथ देख रहे होंगे। बोल बम। ऐसे अंडरपास आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप आएंगे पदयात्रा, क्योंकि ऊपर में रोड है और नीचे में बाईपास, और पानी की व्यवस्था हर जगह अभी देख लोगे नया नया दिख रहा है, क्योंकि अभी सब रिपेयर हो चुका है, ऑल सेट फॉर सावन। और ये है बाईपास, इधर नीचे से क्रॉस करना है। और बोलबम बोलबम बोलते हुए चलते रहिए। बोलबम। जिलेबी अमूर 3 किलोमीटर, टंकेश्वर धर्मशाला 8 किलोमीटर। ये बिहार टूरिज्म के द्वारा लगाया गया है, देख रहे हैं आप, इस पर काम रखा जाता है। जब भी आप रेस्ट वेस्ट करेंगे तो इस पर रख के रेस्ट किया जाता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जलेबिया मोड़, और आपको यहाँ पे अंडरपास देखने को मिलेंगे, मतलब ऊपर से गाड़ी जाने के लिए और नीचे से कंवरिया पे जाने के लिए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जैसे ही आप पहुँचेंगे यहाँ पे। और इस तरह के कुछ आपको यहाँ पे देखने को एनवायरनमेंट मिलेगा काफ़ी ग्रीनरी टाइप,
तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे नीचे से, पुल के नीचे से। और यहाँ से लगभग आपको पहाड़ी इलाका टाइप, मतलब आपको साइड साइड से देखने को मिलेंगे पहाड़ जैसा, और कंकड़ पत्थर काफ़ी पहले होते थे पर अब इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी मेंटेन हो गया है सारी चीज़। और देख रहे हैं अभी कार्य चल रहा है। अभी हम लोग गुड़ियारी नदी वाले इलाके में पहुंच गए हैं। आगे चल के आपको हम लोग गुड़ियारी नदी दिखाएंगे। और साइड में ओवर ब्रिज भी है, तो कुछ लोग नीचे से जाते हैं, कुछ लोग ओवर ब्रिज से जाते हैं। फिलहाल हम लोग बिहार झारखंड के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आपको बिहार की बॉर्डर पे, मतलब बिहार गेट, और उधर उससे थोड़ा सा आगे आपको झारखंड गेट देखने को मिलेगी। यहाँ से बाबा की मंदिर 10 किलोमीटर, शिवगंगा भी 10 किलोमीटर है। ये आपको बिहार गेट है, थोड़ी सी आगे इससे आपको झारखंड गेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से बिहार की सीमा समाप्त होती है और झारखंड शुरू होता है। तो चलिए आपको हम लोग झारखंड गेट भी दिखाते हैं, और उसके आगे हम लोग भूत बांग्ला पार करते हुए देवघर की तरफ प्रस्थान करके देवघर पहुंचेंगे। शिवगंगा पहुंच गए और यहाँ पे जल स्नान कर हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं। और नीचे की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगा हुआ है, इसी तरह से आपको क्यू में लगकर आपको दर्शन करना है। भोले की जय, भोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोल बाम।